नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, इस समय टीजीटी पीजीटी एग्रीकल्चर के वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं और इस समय बेसिक एग्रीकल्चर चल रहा है। बेसिक एग्रीकल्चर मीन्स यहां से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, श्योर है यहां से क्वेश्चन आएगा। अभी आपको बता दें कि क्रांतियाँ थी, ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ से जो है चार क्रांतियाँ पूछी गई थी, यूपीपीसीएस में भी पेपर आया था, ठीक है। तो ये ऐसा टॉपिक है जो सरल है, सबको पता है, सबको आता है, फिर भी यहाँ से एक क्वेश्चन उठ ही जाता है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं कृषि से संबंधित जितनी क्रांतियाँ हैं स्वर्णिम, उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचे। पहला है स्वर्णिम क्रांति, उद्यान कृषि से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से इम्पोर्टेंट है। मूक क्रांति मोटा अनाज उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और दुग्ध उत्पादन के जनक आप जानते हो वर्गीज कुरियन, ठीक है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन मछली उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली या प्याज के उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति या हरित क्रांति श्वेत नीली क्रांति सबसे संबंधित है। नेक्स्ट, कृषि के विधियों के नाम। ये तो क्रांतियाँ थी, क्रांतियों के बाद जो इनकी विधियाँ हैं, आइए। सेरिकल्चर रेशम कीट का पालन से संबंधित है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है। पिशी कल्चर में मत्स्य पालन किया जाता है, और फ्लोरी कल्चर में फूलों का उत्पादन। विटी कल्चर में आपका अंगूर की खेती का की जाती है। पोमो कल्चर फलों के उत्पादन में किया जाता है। ओलेरी कल्चर में सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में बागवानी फल सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। एरोपोनिक्स में हवा में पौधों का उगना एरोपोनिक्स कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स में पानी में पौधों का उगना कहलाता है। वर्मी कल्चर में कछुओं का पालन किया जाता है, और मेरी कल्चर में समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। नोमोरी कल्चर में आदिम कृषि की जाती है। न्यूट्रोपोनिक्स में पोषक तत्वों की खेती की जाती है। ये दोस्तों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है आपके लिए है, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन दे ही देता है। इसको कुछ नहीं, बस आपको एक बार पढ़ना है, जिससे आने वाले एग्ज़ामों में आप आराम से इसको कर सकें, एक नंबर अपना पक्का कर सकें। दोस्तों, आपको डेली वीडियो यूपी टीजीटी पीजीटी के मिलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, इसलिए आप जो है पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।